यूपी कारागार विभाग में बड़े पैमाने पर हुए तबादले। प्रदेश भर में 68 डिप्टी जेलर के हुए हैं तबादले। डीजी जेलर आनंद कुमार ने जारी किया आदेश। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, यूपी कारागार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 68 डिप्टी जेलर के तबादले किए गए हैं। वहीं डीजी जेल आनंद कुमार ने जारी किया है यह आदेश। बड़ी खबर इस वक्त आपको यूपी से जुड़ी बता रहे, जहां कारागार विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जहां 68 डिप्टी जेलर के तबादले किए गए हैं और ये आदेश डीजी जेल आनंद कुमार ने जारी कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जो 68 डिप्टी जेलर के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें डीजी जेल आनंद कुमार ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद 68 डिप्टी जेलर का तबादला किया गया है। वही इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, जिस तरीके से यूपी कारागार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनुष्का, कल देर रात ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 67 डिप्टी जेलर के तबादले किए गए हैं। ये लिस्ट डीजी जेल आनंद कुमार की तरफ से जारी की गई है और जरूर इसमें ये बात बहुत ज्यादा प्राथमिकता होती है कि जो लंबे समय से तैनात जो डिप्टी जेलर थे, जो अपने अपने जिलों में थे, उनको स्थानांतरण किया गया है। साथ ही साथ उसकी कार्यशैली को देखते हुए उनके स्थानांतरण की जो सूची थी वो बीते दिनों में बनाई जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि इस स्थानांतरण के बाद जो अस्थायी रूप से जेलों में तैनात डिप्टी जेलर थे उनको एक सही जगह मिली है और जरूर उनकी कार्यशैली को देखते हुए भी ये पोस्टिंग की गई है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कारागार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, जिसकी जानकारी डीजी जेल आनंद कुमार ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने आदेश पारित किया है, जिसके बाद अब 68 डिप्टी जेलर के तबादले कर दिए गए। और इसी बीच जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ब्लॉक चुनाव को लेकर हंगामा अभी भी जारी। हारने के बाद सपा नेता ने विजयी बीजेपी प्रत्याशी को दी है धमकी। चुनाव हारने के बाद सीओ एसडीएम के सामने ये धमकी दी गई है। जौनपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीते दिन हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर अभी भी हंगामा जारी है। आपको बता दें कि हारने के बाद सपा नेता ने विजयी बीजेपी प्रत्याशी को धमकी दी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धमकी सीओ एसडीएम के सामने दी गई है। आपको तस्वीरें इस वक्त वहां से सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, जहां जौनपुर में अभी भी ब्लॉक चुनाव को लेकर हंगामा जारी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस वक्त सपा नेता वहां पर गुंडाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं सपा नेता ने विजयी बीजेपी प्रत्याशी को धमकी दी है। वहीं हैरत की बात यह है कि ये धमकी उस वक्त दी गई जब मौके पर सीओ एसडीएम मौजूद थे। जौनपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सपा नेताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बता दें चुनाव हारने के बाद सपा नेता ने बीजेपी प्रत्याशी को धमकी दी है। बता दें कि बीते दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए थे, जिसको लेकर तमाम जिलों में हंगामा हो रहा था। वहीं जौनपुर से इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अभी भी हंगामा जारी है। आपको बता दें कि हारने के बाद सपा नेता ने बीजेपी प्रत्याशी को धमकी दी है। और इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां प्राइम टीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। डीजीसी को जबरन ले जाने के मामले में एक बड़ी कार्यवाही की गई है। वहीं मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दो लाइसेंसी बंदूक के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं आर्म्स एक्ट में पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ से बता रहे हैं आपको, जहां प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कल हमने बीजीसी को जबरन ले जाने का मामले की खबर को प्राथमिकता से चलाया था, जिसके बाद अब मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से दो लाइसेंसी बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस भी जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस ने दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट में कार्यवाही की है। अलीगढ़ में बीते दिनों मामला सामने आया था, जहां बीजीसी को जबरन ले जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से
दर्शकों के सामने पेश किया था और लगातार कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद आज अलीगढ़ में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही की है और कार्यवाही करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर आर्म्स एक्ट में कार्यवाही की गई है, साथ ही उनके पास से 2 लाइसेंसी बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस भी जब्त किया गया है।